स्वाइपन, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बहुत ही अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं सारे स्टूडेंट जो कि जेई मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये है कि बस जेई मेंस कट ऑफ क्लियर हो जाए, बाकी बाद में प्रिपेयर करके एडवांस में आईआईटी चले जाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या मार्क्स लगेगा, क्या परसेंटाइल, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं। परसेंटाइल सेम ही रहेगा, फर्स्ट में लाएँ या सेकेंड में लाएँ, क्योंकि परसेंटाइल दोनों अटैम्प्ट के लिए अलग अलग नहीं होता है, आप लास्ट ईयर का भी चेक कर सकते हैं। बट मार्क्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि सेम परसेंटाइल के लिए फर्स्ट टाइम में आपको कम मार्क्स पे हो जाता है, सेकंड में ज़्यादा मार्क्स ही होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बोर्ड में रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बिजी, बट सेकंड में सारे फ्री हो जाते हैं तो कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ जाता है और प्रिपरेशन लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय होता है। तो इसलिए चलिए हम बात करते हैं कि जनरल के लिए फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम का बात हो रहा है, फर्स्ट टाइम में कितना परसेंटाइल, तो 90 से 91 के बीच में ही रहेगा। मार्क्स जो है 77 से 89 के बीच में, या 75 से 85 के बीच में आप बोल सकते हैं। अगर हार्ड पेपर रहा तो 75, इजी पेपर रहा तो 85। इसके बाद ओबीसी का बात करें तो 73 से 74 परसेंटाइल चाहिए, उसके लिए आपको मार्क्स जो है वो 35 से 45 के बीच में होना चाहिए। उसी तरह इजी पेपर रहा तो ज़्यादा मार्क्स, और हार्ड पेपर रहा तो कम मार्क्स पे आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का 75 से 76 परसेंटाइल चाहिए, उसके लिए आपका जो मार्क्स चाहिए वो 40 से 50। फिर एससी के लिए 51 से 52 परसेंटाइल, मार्क्स 25 से 30। एसटी के लिए 43 से 44 परसेंटाइल और मार्क्स 22 से 25। ये हो गया आपका कंप्लीट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए। अब बात रहा पीडब्ल्यूडी का, तो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बार बार बोल चुके हैं आप सेंटर पहुँच जाएँ, आपका हो गया काम, आप एलिजिबल हैं जे एडवांस के लिए। क्योंकि 6 सालों से हम इंग्लिश चैनल से ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं जे एग्जामिनेशन को, पीडब्ल्यूडी को खास करके। तो इसमें क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा रिजर्वेशन है 5%, मतलब 2.5 लाख का 5% 12,500 होता है, स्टूडेंट 3,000 ही है, तो क्या ही कट ऑफ होगा। 12,500 को ले जाना है और यहाँ पे स्टूडेंट ही 3,000 हैं, तो कोई कट ऑफ ही नहीं है। तो आप बस जाएँ, क्योंकि कट ऑफ आप चेक करेंगे 0.00001 ऐसे करके परसेंटाइल, 0.03 ऐसे करके आता है, वो कुछ भी नहीं है। आज तक हम एक भी स्टूडेंट को नहीं देखें, अगर आप देखे होंगे तो मेरे को बताइएगा, जो कि जेई मेंस में अपियर किया और जेई एडवांस में एलिजिबल नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है। तो आप भी नहीं होंगे, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिलने के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेई एडवांस का कट ऑफ क्या होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट के रिगार्डिंग हम बता दिए आपको। इसी तरह सेकंड अटैम्प्ट का भी वीडियो आएगा इस चैनल पर, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। सो आई फ्रेंड्स, दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस बात को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसी तो मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे, तो आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू।